इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के प्राइड गार्डन में शादी समारोह में सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए चोरी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के अन्य दो सदस्य शामिल थे, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल कनाड़िया क्षेत्र के प्राइड होटल में चौहान परिवार का शादी समारोह था। इस दौरान गिफ्ट रूप में दिए गए लिफाफे और सोने चांदी के आभूषण का एक बैग में रखे हुए थे। तभी एक नाबालिग बच्चे की मदद से एक युवक द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे। फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे को साथ में लेकर पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि पचोर का रहने वाला एक ऐसा गिरोह है जो शादी समारोह में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। दरअसल यह 16 फरवरी की घटना है। 16 फरवरी की रात्रि को होटल प्राइड में एक चौहान परिवार के यहाँ शादी समारोह था और उसी दौरान उनके परिजनों का एक बैग जिसमें कि सोने चांदी के जेवरात और नकदी राशि थी वह चुरा ली गई। घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जब अनुसंधान किया जा रहा है, इस अनुसंधान के दौरान जो वीडियो फुटेज वगैरह हमने निकलवाई उससे यह बात प्रकाश में आई थी कि घटना में एक नाबालिग बालक एवं दो अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया और इसी क्रम में एक बालक जिसकी उम्र लगभग 8-9 वर्ष है, जो कि अपने आप को पचौर का होना बताता है, उसे अभिरक्षा में लिया गया है और इसे विशेष किशोर पुलिस इकाई भेजा गया है। बालक के द्वारा दी गई जानकारी से यह बात की पुष्टि हुई है कि यह घटना उक्त बालक और उसके अन्य साथियों के द्वारा की गई है। जिन साथियों के बारे में उसके द्वारा जानकारी दी गई है उनका अभी सत्यापन किया जा रहा है, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वस्तुतः उस घटना में कौन कौन शामिल है। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्य पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन फुटेज के आधार पर दिख रहे दो अन्य और बदमाश जो बच्चों से चोरी की वारदातों को अंजाम देने का काम कराते हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।